दोस्तों मोस्टली लोग जब डॉग्स को परचेज करने जाते हैं तो उनकी यही ख्वाहिश होती है कि भाई हम जिस डॉग ब्रीड को परचेज करें ना उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो, चाहे हमारा बजट कुछ भी हो। और मैं तो आप लोगों को यही कहूंगा कि 1-2 हजार रुपए के लिए आप लोग डॉग की क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आप लोग 1-2 हजार रुपए के लिए लो क्वालिटी के पीस परचेज कर लोगे ना तो आगे चल के उनकी क्वालिटी ऐसी होगी ना वो देसी लगेंगे और ना ही जो डॉग ब्रीड आप लोगों ने परचेज की ना ही वो। लेकिन आज की डॉग ब्रीड के साथ आप लोगों को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए एक्सीलेंट क्वालिटी के पीस लेकर आया हूं, जो है बुल मस्टिफ, जो कि एक लार्ज साइज की डॉग ब्रीड है। और गाइस सिर्फ इतना ही नहीं, पपीज जो है ये केसी रजिस्टर्ड है, बट यहाँ पर आप लोगों को दो अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे, आई मीन आप लोग इन्हें पेपर्स के साथ भी परचेज कर सकते हो और विदाउट पेपर्स भी। तो गाइस बुल मस्टिफ एक काफी लार्ज साइज की डॉग ब्रीड है, काफी पावरफुल भी होते हैं और काफी अच्छे गार्ड डॉग्स भी। और आप लोग पपीज की एक्टिविटीज देखें, पपीज कितने एक्टिव हैं, तो आई एम श्योर इनकी क्वालिटी के साथ साथ इनकी एक्टिविटीज भी आप लोगों को काफी पसंद आएगी। और ये चीज मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप लोग किसी भी डॉग ब्रीड के पपीज को परचेज करो, ये जरूर देख लें कि वो पपीज कितने एक्टिव हैं। तो गाइस बुल मस्टिफ आप लोगों को सिर्फ एक ही कोट कलर में पाए जाते हैं, जिसे आप लोग स्किन पर देख रहे हैं, और इनके फेस पर आप लोगों को हमेशा ब्लैक कलर जरूर देखने को मिलेगा। वैसे ये कलर थोड़ा डार्क और थोड़ा लाइट भी हो सकता है, जिसे हम लोग रेड कलर भी बोलते हैं। तो गाइस बुल मस्टिफ एक काफी स्ट्रॉन्गेस्ट डॉग ब्रीड है और इनका मंथली एक्सपेंसेस आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा पड़ सकता है, क्योंकि एक लार्ज साइज की डॉग ब्रीड है तो इनकी डाइट दूसरी डॉग ब्रीड के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा होती है। तो गाइस बुल मस्टिफ को जेंटल जायंट भी कहा जाता है, क्योंकि इस हैवी डॉग ब्रीड को आप लोग छोटे बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे से रख सकते हो। वैसे आप लोग लार्ज साइज की चाहे किसी भी डॉग ब्रीड को परचेज कर लो, उनकी जो एवरेज लाइफ स्पैन होती है ना वो थोड़ी कम होती है। अगर बुल मस्टिफ की एवरेज लाइफ स्पैन के बारे में बात करें तो वो है 8-10 ईयर्स तक। बाकी गाइस एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग इन्हें बहुत ही हैवी कर लोगे ना तो हो सकता है कि ये लाइफ स्पैन थोड़ी कम भी हो जाए, लेकिन अगर आप लोग इन्हें अच्छे से मेंटेन रखोगे और इनका वजन थोड़ा कम रखोगे तो ये काफी लंबे समय तक आप लोगों के साथ रह सकते हैं। वैसे गाइस पपीज तो सुपर क्वालिटी में, तो एक बार मैं आप लोगों को इनके पेरेंट्स से भी इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो भाई ये जो आप लोग फिलहाल देख रहे हैं ये इन पपीज की मदर है, यार इसकी क्वालिटी देखें, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। और पपीज को देने के बाद भी फीमेल कितनी हेल्दी है, इससे पता लगता है कि उन्होंने इसको कितने अच्छे से मेंटेन रखा हुआ है। और भाई फादर की क्वालिटी देखें, जो कि फाड़ू क्वालिटी है, और इसके फेस पर आप लोग कितने सारे रिंकल्स देख सकते हो, क्योंकि भाई मस्टिफ डॉग ब्रीड की ये भी एक पहचान होती है। वैसे ब्लड लाइन के बारे में उन्होंने मेंशन नहीं कर रखा कि कौन सी ब्लड लाइन से है, तो ये चीज आप लोग पूछ सकते हैं या फिर आप लोगों को पेपर्स पर भी मेंशन मिल जाएगा। बाकी इन पपीज के बारे में और इनके पेरेंट्स के बारे में और कुछ भी पूछना तो डायरेक्ट डॉग ओनर से कॉन्टेक्ट करके हर एक चीज को अच्छे से क्लियर कर सकते हो, नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो अब मैं आप लोगों को इन पपीज की बाकी की इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करा देता हूं। तो फर्स्टली अगर इन पपीज की एज के बारे में बात करें तो पपीज 55 डेज के हो चुके हैं, उन्होंने 2 वैक्सीनेशन लगवा दिए हैं, तो इस चीज का झंझट आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा, 2 बार डिवॉर्मिंग कर चुके हैं। बाकी जब आप लोग पपीज को परचेज करोगे और उस टाइम पपीज की जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो भी आप लोगों को कंप्लीट करके देंगे। एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। एंड दोस्तों डिलीवरी ऑफ कोर्स आप लोगों को पूरे ऑल ओवर इंडिया में मिल जाएगी, लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज पर, या फिर आप लोग ओनर को विजिट करके ही परचेज कर सकते हो, क्योंकि पपीज जो है ये होम ब्रीडिंग के हैं। तो गाइस अगर प्राइसिंग की बात करें तो पपीज केसी रजिस्टर्ड है एंड फैबुलस क्वालिटी के हैं। तो ओनर जो इनके प्राइस की डिमांड किया वो मेल के 20,000 पीस 20,000 रुपए एंड फीमेल के 15,000 पीस यानी 15,000 रुपए, लेकिन ये जो प्राइस है ये पेपर्स के साथ है। और अगर आप लोग विदाउट पेपर्स परचेज करना चाहते हो तो उसमें आप लोगों को मेल 18,000 पीस और फीमेल आप लोगों को 12,000 पीस में मिल जाएगी, जो कि एक बहुत ही तगड़ा प्राइस है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो और इनका प्राइस आप लोगों को काफी पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय।